वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन ने एक बार फिर से हालात बिगाड़ दिए हैं। इस वायरस के प्रकोप की वजह से चीन के अन्यांग समेत कई शहरों में लॉकडाउन लगाया गया। 2 करोड़ से अधिक लोग सख्त लॉकडाउन नियमों की जद में हैं। चीन की जीरो कोविड पॉलिसी के तहत काफी सख्ती बरती जा रही है। इस पॉलिसी के तहत चीन अपने लोगों पर बेहद कड़े नियम लागू कर कोरोना पर काबू करने की कोशिश कर रहा। चीन ने बड़े पैमाने पर क्वारंटीन कैंपस का एक नेटवर्क बनाया, जहां हजारों की संख्या में मेटल बॉक्स बनाए गए। इनमें प्रेग्नेंट महिलाओं, बच्चों समेत तमाम लोगों को आइसोलेट किया जाता है। महामारी की शुरुआत के वक्त वुहान और हुबेई प्रांत के बाकी हिस्सों को बंद करने के बाद से ये अब तक का सबसे सख्त लॉकडाउन है। चीन की सख्ती का एक उदाहरण शांक्सी प्रांत के शियान शहर में देखने को मिल रहा। यहाँ पर लोगों को क्वारंटीन सेंटर के नाम पर लोहे के बक्सों में बंद करके रखा जा रहा। इंटरनेशनल मीडिया के इस खुलासे ने दुनिया को सख्ते में डाल दिया। गर्भवती महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों को भी इन बक्सों में रहने के लिए मजबूर किया जा रहा। अगर किसी इलाके में एक भी कोरोना संक्रमित मिलता है तो उस इलाके के लोगों को इन बक्सों में डाल दिया जाता है। बहुत से इलाकों में लोगों को आधी रात में उनके घर से निकालकर इन क्वारंटीन सेंटर्स में भेज दिया गया। रिपोर्ट के अनुसार कोरोना की आशंका की वजह से लोगों को मेटल के छोटे बॉक्स नुमा कमरे में 2 हफ्ते तक कैद रखा जा रहा। सुविधा के दाम पर उसमें बेड और टॉयलेट दिए गए हैं। चीन में ट्रैक एंड ट्रेस रणनीति के तहत पॉजिटिव के संपर्क में आने वाले लोगों का पता लगाकर उन्हें क्वारंटीन सेंटर में भेज दिया जाता है। फिलहाल लगभग 2 करोड़ लोगों को उनके घरों में कैद कर रखा गया। इन लोगों को खाना खरीदने के लिए भी बाहर निकलने की अनुमति नहीं है। कोरोना नियंत्रण के लिए चीन की सरकार इतनी ज्यादा सख्ती बरत रही कि अन्यांग शहर में 2 ओमिक्रॉन संक्रमित मिलने के बाद ही लॉकडाउन लगा दिया गया। इस शहर की आबादी 55 लाख है। इससे पहले यहाँ के एक शियान शहर और 11 लाख की आबादी वाले युझोउ शहर में लॉकडाउन लगाया जा चुका है। चीन में अब कुल 1.96 करोड़ आबादी लॉकडाउन में है। बड़े पैमाने पर कोविड जांच के लिए ये लॉकडाउन लगाया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया।